आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। कोविड की बात की जाए तो कोविड की केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जो है केंद्र सरकार द्वारा मॉक ड्रिल जो है अलग अलग अस्पतालों में जो है कराने के जो है निर्देश दिए गए। इस समय हम जम्मू के गांधीनगर हॉस्पिटल में हैं जहाँ पर मॉक ड्रिल हो रही है और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है ये भी जानने की कोशिश की जा रही है और जो भी पेशेंट यहाँ पर आएंगे उनको लोग क्या क्या सुविधा दी जाएगी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से लगातार अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल हो रही है, जम्मू में भी हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मॉक ड्रिल पूरी रखी है। 27 तारीख को मॉक ड्रिल जो रखी है वहीं पे हमारी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के हैं श्री भूपेंद्र कुमार जी सर ने हमारी जो मीटिंग दो मीटिंग्स हुई हैं लास्ट वीक में उसमें डिसाइड किया था। फिर डायरेक्शंस हमारे जो प्रिंसिपल एंड डीन डॉक्टर शशि शर्मा मैडम के थे कि आज हम 27 तारीख को सुबह 9 बजे जो है मॉक ड्रिल करेंगे जिसमें हमने अपनी मशीनरी इक्विपमेंट मैन पावर को असेस करना है कितनी हमारे पास, खासतौर पर जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं वह सुबह 9 बजे से हमने तीनों प्लांट अपने ऑन किए हैं और शाम तक 6 बजे तक उसकी हम देखेंगे कि उसकी ऑक्सीजन की प्योरिटी कितनी है हर 1 घंटे बाद। और वो पूरा एक फॉर्मेट डिज़ाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे, उस पर सारा अपलोड करना है। उसके अलावा बाकी की जो इन्वेंट्री हमारी है, वेंटिलेटर कितने हैं, मॉनिटर कितने हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कितने हैं, पीपीई किट कितने हैं, मास्क कितने हैं, ग्लव्स कितने हैं, वो डिटेल हमने देना है और कौन सा इक्विपमेंट फंक्शनल है कौन सा नॉन फंक्शनल है। सिमिलरली मैन पावर का डॉक्टर्स कितनी हैं, नर्सेज कितनी हैं, एनओ कितनी हैं, ये पूरा डिटेल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट कर रही है वेबसाइट पे ताकि इंस्टीट्यूशन का नाम, कौन सी स्टेट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, पता लग सके कि किसी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई गैप है तो उसको हम फिलअप कर सकें और अगर आने वाली कोई ऐसी महामारी हो कोविड की तो उससे हम अपने आप को बचा सकें। कोविड से निपटने के लिए पूरी तैयारियां आपकी है? हमारे 200 बेड हैं यहाँ पे और हमने कोविड के तीनों फेज जो है यहाँ पे किए हैं, कोविड के तीनों फेज हमने यहाँ पे डील किए हैं। और स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज में हम इतने इक्विप्ड नहीं थे, हमारे पास जनरल पेशेंट्स थे और माइंडली सिम्प्टोमेटिक या एसिम्प्टोमेटिक थे क्योंकि उस समय होम क्वारंटाइन नहीं था। सेकेंड फेज से पहले हमें जेके मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन से सारा इक्विपमेंट, हमारे 200 के 200 बेड हैं जिसमें मॉनिटर लगे हुए हैं जिसमें आप बीपी, ईसीजी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल बंदे का, टेम्परेचर सब आप चेक कर सकते हो। प्लस हर बेड पे सक्शन है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर फिट किया जा सकता है हर बेड पे, ऑक्सीजन सप्लाई हर बेड पे है। उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5 लीटर के, 10 लीटर के, 20 लीटर के। तो मार्च 2022 से हमने नॉन कोविड शुरू किया था क्योंकि कोविड एक बहुत कम, पिछले साल पूरे साल जो है ट्रिकलिंग ऑफ पेशेंट हुई है, पूरे महीने में 20-25 केसेज ही आए हैं, तो एक दो दो तीन केस ही हॉस्पिटल में होते थे। तो हमने नॉन कोविड स्टार्ट किया, आज हमारे पास जो है 70% बेड हमने नॉन कोविड को रखे हैं। ये थर्ड फ्लोर जो आप देख रहे हो इसमें 64 बेड हैं जिनको हम 80 बेड पे बढ़ा सकते हैं और ये हमारा पूरा कोविड का फिलहाल वार्ड है, पेशेंट यहाँ कोई नहीं है। हमारे पास नॉन कोविड इस समय 90 से ज़्यादा पेशेंट एडमिटेड है। लोगों के लिए क्या प्रिकॉशनरी मैसेज है? हाँ, लोगों के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, भीड़ भड़क के ना जाएं। नवा साल आ रहा है, नए साल में अपने अगर कोई पार्टी करनी है, होटल में जाना है तो बेटर आप घर में अपनी पार्टीज करें, फैमिली के साथ करें, बुजुर्गों को और बच्चों को बचा के रखें ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो। ये अगर आप प्रिकॉशन जो ऑलरेडी 2 साल से लोग कर रहे हैं वो अगर फॉलो करेंगे तो हम एपिडेमिक को खुद रोक सकते हैं। तो कोविड से निपटने के लिए अलग तैयारियां जो है वो की जा रही है, राज्यों के अलग अलग अस्पतालों में जो है मॉक ड्रिलिंग हो रही है। इस समय हम गांधीनगर हॉस्पिटल की वार्ड में मौजूद हैं और यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मॉक ड्रिलिंग की जा रही है और कोविड से इस समस्या से निपटने के लिए अस्पताल किस तरह से तैयार हैं वो भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे। तो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड में किस तरह से परीक्षण किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पेशेंट से निपटना है और पेशेंट को किस तरह से चेक करना है। यहाँ पर हम आपको साफ तौर से जो तरीके हैं यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो लगातार अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गांधीनगर हॉस्पिटल में तैयारियां जो है पूरी हैं। ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए पूरा ये हॉस्पिटल इक्विप्ड है और कोविड की थर्ड वेव से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्वेश्चन जो है आप लोगों को वही लेने हैं जो पिछले 2 सालों से आप ले रहे थे। आप अपने घरों में रहिए और जिस तरह से 31 दिसंबर आने वाला है आप लोग पार्टीज का करने का सोच रहे हैं तो साफ तौर से डॉक्टर का ये कहना था कि अपने घरों में रह के अपनी फैमिली के साथ ये दिन सेलिब्रेट कीजिए और जो भी SOP है उसका पालन जरूर करें। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर हूँ कि तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स। फिर जनरल अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।